राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच विश्व कल्याण के लिए चीन का विनाश करने राष्ट्रीय तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय महामंत्री गोलोक बिहारी राय ने कहा कि विश्व में चीन दृष्टि शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है। चीन सिर्फ विस्तारवादी नहीं बल्कि मानव सभ्यताओं के लिए खतरा है। चीन का अस्तित्व न सिर्फ मानवता बल्कि जीव मात्र के लिए खतरा है। चीन हत्या, नृशंसता, क्रूरता, हिंसा, अनाचार, अत्याचार, पापचार, अधर्म का केंद्र बन चुका है। इसलिए चीन का अशुभ विश्व के लिए शुभ है और उन सभी शक्तियों, विधाओं व प्रक्रियाओं, विधाओं और साधनों का समर्थन किया जाना चाहिए जो चीन के लिए विनाश हो। देश के अनेक संगठन, तांत्रिक साधक और विद्वान चीन के विनाश की कामना कर रहे हैं। विश्व कल्याण और मानवता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच इन सभी शक्तियों को जोड़ने और सक्रिय करने की कोशिश करेगा। इसके तहत भारत सहित दुनिया भर में जन जागरण का अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का साधन महाविद्या अर्थात तंत्र विद्या होगा। ये सभी अपने अपने ढंग से चीन के प्रतिवाद करने के लिए, अब तो आवश्यकता चीन का सामान्य रूप से प्रतिवाद नहीं करना बल्कि उसकी विनाश की बात सोचना। दुनिया का कल्याण उसी में है यदि चीन का विनाश हो। दुनिया के अंदर सुख, शांति और समृद्धि तभी एक व्यापक स्तर पर आएगी जब चीन का विकास हो। हमारी समृद्धि का, दुनिया की समृद्धि का भी वो दुश्मन है, दुनिया की शांति का भी दुश्मन है, हमारे जीवन का भी दुश्मन है। तो अपने यहाँ परंपरा रही है, सभी जगह परंपरा रही है, तांत्रिकों की, यांत्रिकों की भी परंपरा है जो स्पेस में आज लड़ाई चीन से कर रहे हैं। भले ही एम्स के सारे डाटा उड़ जा रहे हैं परंतु लड़ाई कर रहे हैं उसकी रक्षा के लिए कि चीन से हम रक्षा करेंगे। उसी तरह तांत्रिक जो देश में फैले हुए हैं विभिन्न अपनी विधाओं के साथ विभिन्न तरह के कल्याण, विश्व के कल्याण के लिए साधना करते रहते हैं, वे भी चीन के इस चाल से घबराहट में हैं और वे भी चीन की विनाश के लिए तरह तरह की अपनी साधना अपने विधानों के अनुसार कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच उन तांत्रिक, मांत्रिक और यांत्रिक शक्तियों का जन सामान्य में संचार हो और हम उसकी प्रतिवाद कर सकें। जहां तांत्रिक बैठकर अपनी साधना कर रहा है, यांत्रिक अपनी रातों रात जाग कर और उसके यंत्र विधि से लड़ रहा हो स्पेस में, तो हम जन सामान्य की भी तो कोई दायित्व है, हम कैसे सहभागी हो सकते हैं। हम सैनिक शक्ति तो नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाकर अपनी रक्षा कर लेंगे। हम सरकारें तो नहीं है जो विभिन्न तरह की अपनी नीतियों को, पॉलिसियों को लाकर, सामने लाकर चीन को नियंत्रित कर ले। परंतु चीन तो मानवता का दुश्मन है, तो मानवता की रक्षा के लिए हमारा भी योगदान होना चाहिए, जनसामान्य का योगदान होना चाहिए। तो उन तांत्रिक विधानों ने हमें भी आह्वान किया है, विभिन्न तांत्रिकों ने आह्वान किया है